कोरोना के कहर से कराह रही पंजाब सरकार ने वैक्सीन की कमी का ठीकरा केंद्र सरकार के सिर पर फोड़ दिया। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने तेलंगाना सरकार पर वैक्सीनेशन में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया। पूरे देश में कोरोना से मचे हाहाकार के बीच राज्य और केंद्र सरकार के बीच जुबानी जंग जारी है। पंजाब में कोरोना की वैक्सीन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पंजाब के करीब हर जिले में कोरोना की वैक्सीन की कमी होने से 18 से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम को बीच में ही बंद करना पड़ा है। पंजाब के मोहाली में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन की डोज लेने वाले युवाओं को बेरंग वापस भेजना पड़ा। पंजाब में वैक्सीन की कमी से हालात इतने खराब हैं कि सिर्फ उन्हीं लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है जिनकी दूसरी डोज की तारीख नजदीक आ चुकी है। पंजाब में कोरोना वैक्सीन की कमी का ठीकरा स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने केंद्र सरकार के सिर फोड़ दिया। अब जो वैक्सीन है उसके लिए भी हम बॉर्डर स्टेट हैं, हमारे को सबसे पहले देनी चाहिए क्योंकि डेथ रेट हमारा बहुत ज्यादा है। पंजाब सरकार वैक्सीन की कमी का रोना रो रही है तो वही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना सरकार पर वैक्सीनेशन में रुकावट डालने का गंभीर आरोप लगाया है। तेलंगाना सरकार ने वैक्सीन स्टॉक करने के बारे में किसी को भी नहीं बताया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि तेलंगाना सरकार से जो वादा किया है उसे पूरा कर रही है। देश भर में वैक्सीन की कमी पर अब सीरम इंस्टीट्यूट ने सफाई दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि मैंने भारतीयों की कीमत पर वैक्सीन का निर्यात नहीं किया है। कोरोना वैक्सीन की कमी पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पर सवाल उठने लगे थे जिसके बाद कंपनी को सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा। कंपनी ने बचाव करते हुए कहा कि भारत के लोगों को दरकिनार करके कभी भी टीकों का पूरी दुनिया में निर्यात नहीं किया गया। भारत में टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए आगे भी हर संभव मदद करने को तैयार है। हमारी सरकार ने इस अवधि के दौरान जहां भी संभव हुआ समर्थन दिया। वैश्विक गठबंधन का हिस्सा होने के चलते वैक्सीन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता थी ताकि कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए विश्व स्तर पर टीकों का वितरण कर सके। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय लोग यह महसूस नहीं कर रहे हैं कि दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले देशों में एक भारत भी है। इतनी बड़ी आबादी के लिए कोरोना टीकाकरण अभियान को सिर्फ 2 से 3 महीने के भीतर पूरा करना सीरम इंस्टीट्यूट के बस की बात नहीं है क्योंकि इसमें कई चुनौतियां शामिल हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने दावा किया है कि पूरी दुनिया को टीका लगने में 2 से 3 साल लगेंगे। भले ही अमेरिकी फार्मा कंपनी के 2 महीने बाद इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन प्राप्त हुआ है लेकिन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की कुल खुराकों में भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में शुमार है। सीरम इंस्टीट्यूट ने 200 मिलियन से अधिक डोज वितरित की है। कोरोना से मचे हुए कोहराम के बीच में टूलकिट पर सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर देश और प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करने का आरोप लगाया तो कांग्रेस ने टूलकिट को फर्जी बताकर कार्रवाई की मांग कर दी। कोरोना संक्रमण काल में बीजेपी और कांग्रेस की सियासी लड़ाई एक बार फिर टूलकिट पर आ गई है। टूलकिट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में गदर मचा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस में टूलकिट का विवाद इतना तूल पकड़ लिया है कि कांग्रेस ने पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर को खत लिखा, फिर तुगलक रोड थाने में शिकायत देकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, समित पात्रा, स्मृति ईरानी से लेकर बीएल संतोष पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग कर दी है। कोरोना काल में टूलकिट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधे जाने के बारे में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुझे बहुत दुख लग रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज मैं कर रहा हूं, मगर ये जो चीजें सामने आई है ये दिल को हतप्रभ करने वाला विषय है कि विदेशों में पत्रिकाओं में किस प्रकार से कुछ भारतीय लोग ही अपने देश के खिलाफ, अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार लिखते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम समझ पा रहे हैं कि उसके पीछे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का ही हाथ है। टूलकिट मामले पर बीजेपी के सभी आरोपों को कांग्रेस ने झूठा करार दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर ही फर्जी टूलकिट बनाकर सरकार पर नाकामी छुपाने का आरोप लगा दिया है। शिवराज सरकार की तरह ही सीएम केजरीवाल ने भी कोरोना काल में दिल्ली वालों को बड़ी राहत दी है। केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त शिक्षा और मुआवजे का ऐलान किया। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वासियों के लिए 4 बड़े ऐलान किए हैं। कोरोना से जिंदगी की जंग लड़ रहे और अपनी मौत के मातम में डूबे लोगों को राहत दी गई है। कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवार को 50,000 का मुआवजा मिलेगा। घर के कमाने वाले मुखिया की मौत होने पर हर महीने 2500 रुपए पेंशन मिलेगी। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को दिल्ली सरकार मुफ्त शिक्षा देगी। माँ बाप दोनों की मौत होने पर बच्चों को 25 साल की उम्र तक हर महीने 2500 रुपए देगी। राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में 10 किलो राशन मिलेगा। राशन कार्ड नहीं होने पर भी जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। दूसरी
दूसरी तरफ दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट लगातार कम होने से सीएम केजरीवाल की टेंशन भी कम होती जा रही है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,482 नए मामले सामने आए हैं और एक दिन में कोरोना से 265 लोगों की मौत हुई है। पॉजिटिविटी रेट गिरकर 7% के नीचे पहुंच गया है, जो 7 अप्रैल के बाद सबसे कम है। दिल्ली में एक वक्त में एक्टिव मामलों की संख्या 1 लाख के करीब पहुँच गयी थी, जो अब आधी होकर 50,000 के करीब पहुँच गयी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।